हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ साइंस एंड आवर चैप्टर टू इज़ गोइंग ऑन आवर हेल्दी टीथ. ओके, एंड इन दिस चैप्टर इन यस्टरडे क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टीथ एंड पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ द टीथ. क्लियर? सो मैंने कल की क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो आज मैं एक्सप्लेन करके बता रही हूँ. तो फर्स्ट वन इज़ यू हैव टू गिवन राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. क्लियर? ट्रू फॉल्स आपको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वन इज द क्राउन लुक्स वाइट एंड शाइनी बिकॉज ऑफ द सीमेंटम. सीमेंटम की वजह से वाइट और शाइन नहीं दिखाई देता है, वो इनेमल की हेल्प से होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रू. क्लियर? नेक्स्ट, ए मिल्क टूथ फॉल्स आउट बिकॉज इट इज पोस्ट बाई ए परमानेंट टूथ ग्रोइंग ब्लो इट. मीन जो दूध के दांत होते हैं हमारे, वो किसकी वजह से गिर जाते हैं? क्योंकि उनकी जगह पे कौन से दांत आते हैं हमारे पास? परमानेंट टूथ. क्लियर? सो इट इज़ ट्रू. ये आपका जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स आएगा. सॉरी, यहाँ ट्रू नहीं, ये फॉल्स है. फर्स्ट वाला जो है वो क्या है? फॉल्स. सेकेंड इज ट्रू. थर्ड, द इनेमल इज सॉफ्ट सब्सटेंस ऑन द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ टूथ. इनेमल इज नॉट ए सॉफ्ट सब्सटेंस, इट इज़ ए हार्ड सब्सटेंस. ओके, सो इट इज फॉल्स. परमानेंट टीथ रिमेन थ्रू आउट अवर लाइफ. परमानेंट टीथ जो टीथ होते हैं हमारे पास, वो परमानेंट मीन्स हमारी लाइफ टाइम के लिए होते हैं. तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू. तो फर्स्ट वन इज़ फॉल्स, सेकेंड इज़ ट्रू, थर्ड इज़ फॉल्स, फोर्थ इज़ ट्रू. क्लियर? ये सारा कंसेप्ट हमने कल की क्लास में स्टडी कर लिया था, उन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चंस थे. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर विजडम टीथ. विजडम टीथ मीन्स जो अक्लदार जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होती हैं, इसके बारे में हम बताते हैं. तो इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ मैं. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ डेंटाइन. क्लियर? ये हमारे किसका पार्ट्स है हमारे पास? जो हमने कल पार्ट्स ऑफ टूथ स्टडी किया था, उसमें डेंटाइन भी एक पार्ट था, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करके बता रही हूँ आपको. सो लुक हियर, व्हाट आर विजडम टीथ. विजडम टीथ ग्रो इन एट द बैक ऑफ द माउथ बिहाइंड आवर मोलर्स. अभी हम टाइप्स ऑफ टीथ स्टडी करेंगे, तो उसमें मोलर, प्री मोलर क्या होता है, तो आप वहाँ से आपको समझ में आएगा ये. तो विजडम टीथ क्या होता है हमारे पास? ग्रो इन एट द बैक ऑफ द माउथ, यानी कि हमारा जो माउथ होता है उसमें पीछे के साइड में जो हमारे पास मोलर्स जो होते हैं उनके पीछे होती है ये अक्लदार, सबसे पीछे. देर इज सेट ऑन द बॉटम एज वेल एज द टॉप, यानी कि ये ऊपर भी होती है अक्लदार और नीचे भी होती है. क्लियर? नेक्स्ट, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ डेंटाइन. द डेंटाइन लाइज ब्लो द इनेमल. ये हमने कल स्टडी किया था, ये कहाँ लाई करता है? इनेमल के जस्ट नीचे. इट इज़ ऑल्सो क्वाइट हार्ड, हार्ड होता है. इट इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे जो दांत होता है उसका. इट इज़ येल्लो एंड सपोर्ट्स द इनेमल. ये क्या करता है? येल्लो होता है और इनेमल को सपोर्ट करता है. क्लियर? तो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में आपको आंसर्स लिखा है ताकि आप ईजिली लर्न आउट कर सके. पॉइंट आउट मैंने आपको लिखवाए हैं ताकि आप वन वन लाइन को आराम से लर्न कर सकते हैं. अगर मैं पैराग्राफ में लिखाऊंगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इसको लर्न आउट करने में. सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. आवर टॉपिक इज टुडे इज टाइप्स ऑफ टीथ. ओके, आज का जो टॉपिक है वो क्या हमारे पास? टाइप्स ऑफ टीथ. सो स्टूडेंट्स, वी हैव फोर टाइप्स ऑफ टीथ. ईच टाइप इज डिफरेंट इन शेप एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. क्लियर? मीन्स दैट क्या कहता है कि हमारे जो दांत है वो कितने टाइप के होते हैं? फोर टाइप के होते हैं. और हर एक दांत में जो उनकी शेप होती है वो डिफरेंट होती है. एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, मीन उनका फंक्शंस भी क्या होता है? डिफरेंट होता है. तो फोर टाइप्स के जो टीथ हैं हमारे पास, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ये हम वन बाई वन इनके फंक्शंस को स्टडी करेंगे. क्लियर? इनके डेफिनेशन और इनके फंक्शंस को. सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. स्टूडेंट्स लुक हेयर, दिस फिगर, टाइप्स ऑफ टीथ. ओके, तो टाइप्स ऑफ टीथ हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? फोर टाइप्स के. सबसे फर्स्ट इज इंसीजर, देन कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स. ये फोर टाइप के दांत होते हैं हमारी माउथ के अंदर, ठीक है, हमारी बॉडी में. तो फर्स्ट इज इंसीजर. इंसीजर्स क्या होता है? इंसीजर्स आर द सीजल शेप्ड फ्लैट एंड शार्प एज्ड फ्रंट टीथ. ठीक है, मीन्स जो इंसीजर्स होते हैं सीजल शेप्ड, यानी कि जो हम एक तरह से कहते हैं जो छेनी, यानी कि सीजर की शेप में होते हैं. फ्लैट एंड शार्प एज फ्रंट टीथ, यानी कि जो इनका जो फ्रंट होता है वहाँ से ये बिल्कुल शार्प और नुकीले होते हैं. दे आर 18 नंबर, 4 ऑन ईच जा. ठीक है, मीन्स क्या होता है? टोटल 8 होते हैं ये इंसीजर्स. कितने दांत होते हैं हमारे?
एट होते हैं, फोर इन ईच, यानी कि ऊपर नीचे दो जॉ होते हैं हमारे, तो ऊपर भी फोर होते हैं और नीचे भी फोर होते हैं। इंसीजर्स हेल्प अस बाइट और कट फूड इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। ये हमारे बिल्कुल फ्रंट में जो नीचे के फोर और ऊपर के जो फोर दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनको इंसीजर्स बोलते हैं। एंड दे हेल्प अस बाइट और कट फूड इनटू स्मॉल पीसेस, ये किस में हेल्प करते हैं, हमें जो फूड होता है उसको कट करने में और ब्रेक करने में, ठीक है। दे आर लाइक ए पेयर ऑफ सीजर्स, और ये किसकी तरह काम करते हैं, एज लाइक ए पेयर ऑफ सीजर्स, यानी कि सीजर्स मीन्स यहाँ पे कैची की तरह, ये इन सीजर होता है हमारे, इस टाइप का होता है। क्लियर क्लियर, दिस इज आवर इन सीजर्स। कितने होते हैं हमारे पास, एट होते हैं, फोर ऑन ईच, ऊपर भी फोर होते हैं, सामने के जो फ्रंट के जो फोर होते हैं हमारे पास, नीचे और ऊपर, उनको बोलते हैं हम इंसीजर्स। क्लियर, एंड दे हेल्प अस टू बाइट और कट फूड इनटू स्मॉल पीसेस। क्लियर, नेक्स्ट वन इज कैनाइंस। कैनाइंस ये इस शेप में होता है हमारे पास। क्लियर, कैनाइंस आर द शार्प एंड पॉइंटेड टीथ नेक्स्ट टू द इंसीजर्स, ये भी शार्प और पॉइंटेड, यानी कि आगे से नुकीला होता है बिल्कुल, और ये जस्ट किसके बाद होता है, इंसीजर्स के बाद। देर आर फोर कैनाइंस, टू ईच इन अपर एंड लोअर जॉज। इंसीजर्स कितने थे हमारे पास, एट। कैनाइंस कितने होते हैं, फोर, टू अपर जॉ में और टू लोअर जॉ में। क्लियर, देर आर शार्प एंड पॉइंटेड एंड हेल्प अस टीयर फूड इन टू पीसेस, ये क्या करता है हमारे भोजन को ब्रेक करने में हेल्पफुल होता है। एंड दे वर्क लाइक ए फोर्क, ये फोर्क यानी कि इस तरह से, जैसे हमारी ये वाली स्पून होती है ना इस तरह की, इस तरह से ये वर्क करता है। क्लियर, नेक्स्ट प्रीमोलर्स, थर्ड इज प्रीमोलर। नेक्स्ट टू ईच कैनाइन आर टू प्रीमोलर्स, मीन्स कैनाइन के जस्ट बाद में जो टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, ठीक है। और कितने होते हैं, टू होते हैं, वी हैव एट, सॉरी, नेक्स्ट टू ईच कैनाइन आर टू प्रीमोलर्स। क्लियर, हर एक कैनाइन के बाद टू प्रीमोलर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कैनाइन कितने थे, फोर, फोर मतलब हर फोर कैनाइन के बाद में टू प्रीमोलर होंगे, तो वी हैव टोटल एट प्रीमोलर्स, ठीक है। फोर ईच इन द अपर एंड लोअर जॉज, यानी कि अपर वाले जॉ में भी फोर होते हैं, लोअर में भी फोर होते हैं, मीन्स प्रीमोलर भी हमारे पास एट होते हैं। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट ऑन द टॉप, जो इस तरह से दिखाई देते हैं, जो ऊपर की साइड से क्या होता है हमारे पास, ब्रॉड और फ्लैट, यानी कि फ्लैट होते हैं और मतलब कि वाइड होते हैं। दे हेल्प ब्रेक द फूड इनटू फाइन पीसेस, और ये किस में हेल्प करते हैं, जो फूड होता है हमारे उसको बिल्कुल छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक करने में हेल्प होता है। दे वर्क लाइक ए नट क्रैकर, और वो किसकी तरह काम करते हैं, इस तरह से नट क्रैकर की तरह से काम करते हैं वो। क्लियर, तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ आवर टूथ। क्लियर, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स। इंसीजर्स कितने होते हैं, एट, कैनाइंस कितने होते हैं, टू, और प्रीमोलर्स भी कितने होते हैं, एट। क्लियर, नेक्स्ट लास्ट वन इज मोलर्स। मोलर्स किस टाइप से होता है हमारे पास, इस तरह से क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टू द प्रीमोलर्स आर द मोलर्स, मीन्स प्रीमोलर के जस्ट बाद में जो होते हैं वो कौन सा होता है, मोलर्स। आर बिगर एंड वाइडर देन द प्रीमोलर्स, ये प्रीमोलर से बिगर मीन्स बड़े होते हैं, वाइडर उनसे ज़्यादा ब्रॉड यानी कि चौड़े होते हैं। वी हैव 12 मोलर्स, 6 इन द अपर जॉ एंड 6 इन द लोअर जॉ, और टोटल हमारी बॉडी के अंदर कितने प्रीमोलर्स होते हैं, 12, ओके, 6 अपर जॉ में होते हैं और 6 लोअर जॉ के अंदर होते हैं। क्लियर, एंड द विजडम टीथ आर द लास्ट मोलर्स। नेक्स्ट क्या बोला गया इसमें, जो विजडम टीथ होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, लास्ट मोलर होते हैं। क्लियर, टू इरप्ट ऑन ईच साइड ऑफ द अपर एंड लोअर जॉज। क्लियर, जो हमारी अक्कल दाढ़ होती है, हमने अभी स्टडी भी किया था कि वो कहाँ होती है, मोलर्स के बाद में होते हैं। टू इरप्ट ऑन ईच साइड ऑफ द अपर एंड लोअर जॉज, इरप्ट का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे, एक तरीके से बोले तो ब्रेक आउट और कम आउट सडनली। क्लियर, मीन्स जो अपर और लोअर जॉ हैं उनको टूटने से बचाते हैं हमारे पास, ठीक है। द विजडम टीथ आर द लास्ट मोलर टू इरप्ट ऑन ईच साइड ऑफ द अपर एंड लोअर जॉज। क्लियर, मोलर हेल्प अस ग्राइंड फूड,
जो मोलस होता है वो किस में हेल्प करता है, हमारे भोजन को बिल्कुल ग्राइंड करना एक तरह से, जो मतलब कि क्या कहते हैं, बिल्कुल पतले पतले टुकड़ों में मतलब पीस देना, मेकिंग इट इज़ फॉर अस टू स्वेल द फूड, जिसकी वजह से हम इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं हमारे भोजन को। दे वर्क लाइक ए पेयर ऑफ मोटर एंड पिस्टन, क्लियर। ये एक तरीके से किसकी तरह काम करता है हमारे पास, मोटर एंड पिस्टन, क्लियर। मतलब अच्छी तरह से एक तरह से ग्राइंडर मशीन की तरह ये काम करता है, और इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, दिस, ओके। इस तरह से आपकी ये मोलर होता है, क्लियर। नेक्स्ट, एन एडल्ट हैज टू पेयर ऑफ इंसीजर्स, वन पेयर ऑफ कैनाइंस। जो एडल्ट पर्सन होते हैं, ठीक है, एडल्ट मीन्स जो यंगर पर्सन होते हैं, उनमें कितने सीजर्स होते हैं, टू पेयर ऑफ इंसीजर्स, वन पेयर ऑफ कैनाइंस एंड टू पेयर ऑफ प्रीमोलर्स एंड थ्री पेयर ऑफ मोलर्स इन ईच जा, क्लियर। तो मोलर्स कितने होते हैं हमारी बॉडी जो टिथ का जो फोर्थ पार्ट होता है मोलर्स, वो कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं, क्लियर। दीज आर द टाइप्स ऑफ टिथ, फर्स्ट वन इज इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको यही करना है कि टाइप्स ऑफ टीथ आपको स्टडी करना है, मेन पॉइंट्स आपको लर्न आउट करना है इनमें से, और इनको बहुत अच्छे से आपको लर्न आउट करना है, क्लियर। सभी के नेम लर्न होने चाहिए, सभी का शेप लर्न होना चाहिए, और कितने हमारे इंसीजर्स होते हैं, कितने कैनाइंस होते हैं, कितने प्रीमोलर्स और कितने मोलर्स होते हैं, और इनकी पोजीशन क्या होती है, बस ये आपको इसमें से लर्न आउट करना है, क्लियर। तो आप इस वीडियो को दो बार आपको सुनना है और आपकी बुक को फिर स्टडी करना है, और फिर आपको आराम से ये लर्न आउट हो जाएगा, क्लियर। कल की क्लास में हम थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे, कीपिंग टीथ हेल्दी मीन्स हम अपने टीथ को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, वो स्टडी करने के बाद हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, क्लियर। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।